Hello students. So as you all know that in our previous video we have learned the chapter Alice in the Wonderland with its complete explanation. In this video we are going to have some exercises of our chapter Alice in the Wonderland. So question answers of this chapter. So the question answer number one is, while listening to the story, what did Alice सी इट मीन्स कि स्टोरी को सुनते हुए एलिस ने क्या देखा. एलिस सॉ अ वाइट रैबिट व्हाइल शी वाज लिसनिंग टू द स्टोरी. एरिश ने एक रैबिट को देखा. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट वाज द डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ. द रैबिट दैट एलिस सॉ हैड पिंक आईज एंड वाज वियरिंग अ ब्लू कोट. ही कुड टॉक लाइक ह्यूमंस. क्वेश्चन नंबर थ्री, वेयर डिड द रैबिट गो. रैबिट कहाँ गया. द रैबिट जम्प्ड इनटू द बिग रैबिट होल एंड वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन. क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड. एलिस रीच्ड वंडरलैंड बाय फॉलोइंग द वाइट रैबिट. क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी. Alice saw a lovely garden with beds of bright flowers and cool fountains. Question number six, and this question is the last of the question. So the question number six is, describe in your words that the garden that Alice saw. The garden that Alice saw was the most beautiful garden she had ever seen. It had beds of bright flowers and cool fountains. Okay, so students, we have just completed our question answers of our chapter Alice in the Wonderland. So the question number seven, draw the garden of your dream. So in this blank space, you have to draw the garden of your dreams. So you all students have to do it योर सेल्फ. मतलब आपको ये बच्चों खुद करना है यहाँ पर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर एट पे आते हैं. टिक द करेक्ट आंसर. हियर देयर आर सम ऑप्शंस आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द करेक्ट आंसर एंड मार्क टिक ऑन इट. द रैबिट हैड वाइट आइज बिग आइज पिंक आइज. द रैबिट हैड पिंक आइज. हु वॉज बर्निंग विद क्यूरोसिटी. Alice, the rabbit, the children, Alice. The Alice was burning with the curiosity. Who fell down and down and down? Alice, a mouse, the rabbit. The answer will be the rabbit. Who said, oh my ears and whiskers, how late it is getting? The rabbit, the Alice, Alice's sister. The answer will be the rabbit, because when he reached the Wonderland, he was telling the sentence. The garden Alice saw was big, lovely, small. Lovely. Okay, so now let's jump into the section number two, which is let's talk. Here students, you have to read the question answers and you have to answer them all. I am going to give you some hints about the all of these questions. So the first question is, describe some of the sounds you hear at the night. बच्चों यहाँ पर रात को आपको जो जो आवाज़ें सुनाई देती हैं आपको उनके बारे में बताना है. क्वेश्चन नंबर टू, इमेजिन यू आर एलिस एंड योर पार्टनर इज अ रैबिट. वाट वुड यू डू. बच्चों सोचो एलिस आप हैं और आपके पार्टनर एक रैबिट है, तो बच्चों आप क्या करेंगे या आप लिखने की कोशिश करें. व्हाट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन. आपको क्या लगता है कि एलिस ने गार्डन में क्या देखा होगा. मेरे हिसाब से एलिस ने वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स, बहुत कूल फाउंटेंस, ए लवली गार्डन देखा होगा. और भी बहुत कुछ देखा जा सकता है बच्चों. हाउ कुड एलिस हैव गॉट इन टू द गार्डन. बच्चों एलिस गार्डन में किस तरीके से पहुँची होगी. ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू हैव टू राइट दिस. ओके, सो नाउ सेक्शन नंबर थ्री, लेट्स राइट.
क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टोरी डेट मीन्स। ओके बच्चों, यहाँ पे बच्चों हमको कुछ वर्ड्स के फर्स्ट वर्ड दे रखा है और उनकी मीनिंग दे रखी है। हमको इन मीनिंग के हिसाब से ये पता लगाना है कि स्टोरी में इस वर्ड से कौन सा वर्ड आता है। सो मैं कुछ आपसे क्वेश्चन जरूर करता हूँ, बाकी आपके लिए छोड़ देता हूँ। टू वॉक फास्ट, आई हैव रेड इन द स्टोरी दैट इट वॉज हरिड, यू हैव टू राइट द हरिड हियर। हैप्पी मीन्स डिलाइट, डी ई एल आई जी एच डी, डिलाइट। एट वंस मीन्स क्विक, यू यू आई सी के, क्विक। टू मूव फास्ट, दैट वेरी इंटरेस्टिंग, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। टू थिंक मीन्स वंडर, डब्ल्यू ओ एन डी ई आर, वंडर। टू बी सीन नो अवे नो वेयर, डिसअपियर, डी आई एस पी ई ए आर, डिसअपियर। टू बी इन इक्विस्टिव मीन्स क्यूरियस, सी यू आर आई ओ यू एस। ओके सो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस जंप इन टू द क्वेश्चन नंबर टू। सो स्टूडेंट्स हियर लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस गिवन बिलो विद सिमिलर मीनिंग एंड मेक सेंटेंस। नाउ राइट द अपोजिट ऑफ दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड मेक सेंटेंसेज विद दैम। स्टूडेंट्स हियर वी हैव गिवन सम वर्ड्स एंड वी हैव टू राइट द अपोजिट ऑफ दिस वर्ड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एड एन अनदर कॉलम which is of the similar word and then we write the opposite word. So first let us write the opposite word. So lovely means sundar, means bahut acha. So lovely ka ulta ho sakta hai ugly, ugly. Talking matlab zyada bolne wala, silent. Listening, listening bachcho hota hai सुनना, तो लिसनिंग का उल्टा आप बताइए मुझे। सी मतलब देखना, तो सी का उल्टा नहीं देखने के लिए क्या कह सकते हैं बच्चों। दीज ऑल वर्ड्स हैव बीन गिवन इन द इवन इन द चैप्टर। सो द लास्ट वर्ड इज सेंटर। सेंटर मीन्स समथिंग विच इज इन द मिडल। सो इफ द थिंग इज इन सेंटर देन द अपोजिट कुड बी एज। ओके हियर यू ऑल हैव टू मेक द सेंटेंस बाय यूजिंग दीज वर्ड्स। ओके सो स्टूडेंट्स दीज ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू डू योर ओन। आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी और एनी क्वेरी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।